Good morning. Let's start with the last concept of study note 4 put in. Sorry. Is assessment of AOP and BOI a little tricky chapter, and because your institute have given multiple questions about this, and usually this has been seen, and this is the experience that there is the expectation in examination that some question can come directly from module. And therefore, we don't want to lose any questions from your study material. So let's focus on this as well. Little tricky, but you need to understand it. Or aap logon ne itna income tax pad liya hai na, you will understand it faster. Thoda sa tricky law hai iska. Computation of income of AOP BOI. तो आपको ये तो पता है सेक्शन 40BA में मैंने बताया था आपको कि जैसे पार्टनर को अगर सैलरी देता है एओपी बीओआई तो पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिलता है. लेकिन सेक्शन 40BA में अगर एओपी बीओआई ने अपने मेंबर को सैलरी दिया, रेम्यूनरेशन दिया, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता. ये तो पता है आप लोगों को, डिडक्शन डिसअलाउड होता है. ऐसा मैंने बात किया था, याद आ रहा है आपको पीजीबीपी. फर्म जब अपने पार्टनर को रेम्युनरेशन पे करता है तो देयर इज अ लिमिट गिवन अंडर व्हिच सेक्शन? 40B. उसके बाजू का ही सेक्शन कौन सा है? एक लाइन का सेक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, एनी रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट पेड बाय एओपी बीओआई टू मेंबर शैल बी फुल्ली डिसअलाउड. ठीक है ना? तो 40BA जो है वो एओपी बीओआई का है. अब उसमें ट्रिकी पॉइंट जो है वो मैं बता देता हूं यहां पे. ठीक है ना? तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन उन्होंने बनाए हुए हैं. तो पहला सिचुएशन क्या है कि जो एओपी बीओआई है वो अपने मेंबर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उनकी खुद की कैपेसिटी में इंटरेस्ट देता है तो डिसअलाउंस ट्रैक होता है. तो देखो यहाँ पे क्या है, एनी इंटरेस्ट पेड टू मेंबर आइदर ऑन कैपिटल और लोन. तो लोन कोई भी इंटरेस्ट होने दो, इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन. तो ये तो आपको थंब रूल याद रखना है कि 40BA में इंटरेस्ट पेड शुड बी नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन. However, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आगे क्वेश्चन भी हमें मिलेगा. However, where interest is paid by AOP BOI to its member as well as interest is received by AOP BOI from the member. सर ऐसा कब हो सकता है? तो आपको पता है पार्टनर अभी अभी आया AOP BOI में जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने हमें लोन दिया हुआ है, उन्होंने एओपी को लोन दिया हुआ है, ये एओपी को लोन दिया उन्होंने. ठीक है ना? तो हमें इंटरेस्ट पेबल होगा, इंटरेस्ट पेबल से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेबल 20,000 है, तो ये तो इंटरेस्ट डिसअलाउड होने वाला है. खाली इतना ही आइटम है तो कितना डिसअलाउड? तो पूरा का पूरा 20,000 डिसअलाउड, क्योंकि ये मेंबर को दिया हुआ है. इंटरेस्ट पेबल टू मेंबर 20,000 डिसअलाउड. लेकिन अभी जो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बता रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई पार्टनर एक्स्ट्रा ड्रॉइंग कर लेता है अपने कैपिटल से, मतलब उसका कैपिटल नेगेटिव हो जाता है. आपने देखा है कभी ऐसा क्वेश्चन पार्टनरशिप में जहां पे पार्टनर्स का कैपिटल नेगेटिव हो जाता है? हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे कैपिटल नेगेटिव हो जाता है? हेलो, आपने कभी पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ऐसा देखा है क्या? नहीं देखा है आप लोगों ने? तो देयर इज अ सिचुएशन जहां पे पार्टनर एक्सेस विड्रॉ करता है. जैसे उसका कैपिटल 1,00,000 का है लेकिन उसने फर्म में से 3,00,000 रुपए विड्रॉ किया, तो उसका कैपिटल 2,00,000 रुपए नेगेटिव दिखता है. तो देयर आर सिचुएशन जहां पे या तो फर्म लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग फर्म का भी कैपिटल नेगेटिव होता है, और उन्होंने ऐसा लॉ बना के रखा है पार्टनरशिप डीड में, उनके जो इनका जो एओपी बीओआई का जो डीड होता है उसमें उन्होंने बोल के रखा है कि जब जब नेगेटिव कैपिटल होगा तब तब उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा. तो पकड़ लो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट पेएबल है और वो जो मेंबर है उससे इंटरेस्ट रिसीवेबल है 8,000 का. तो उन्होंने बोला अगर आप ये एक्सपेंस डिसअलाउड करते हो ना तो ये आपको इनकम भी नलीफाई करना चाहिए. एक्सपेंस डिसअलाउड करते तो इनकम भी नलीफाई होना चाहिए. तो नेट डिसअलाउंस कितना होगा? तो 20,000 माइनस 8,000 नेट डिसअलाउंस कितना होगा बोलो? 12,000. ये मैंने क्या बोला आपको समझा? उन्होंने बोला आप खाली डेबिट साइड पे एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको क्रेडिट साइड पे भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट पेएबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल दोनों अगर मेंबर से होता है तो उसको नेट करके ही डिसअलाउड करो. तो मेरे यहाँ पे देखो, मुझे पेएबल 20,000 था, रिसीवेबल 8,000 था, क्योंकि उन्होंने बोला अगर आप एक्सपेंस हटा देते हो तो ये इनकम भी तो हटाना पड़ेगा ना, अननेसेसरी वो इनकम क्यों रख रहे हो, दोनों हटाओ, दोनों साइड पे एडजस्टमेंट करो. और उन्होंने ये भी आगे जाके बोला अगर ये 28,000 होता, अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल जो है वो 28,000 होता
और अगर इंटरेस्ट पेबल जो है वो 20,000 होता तो आपका डिसअलाउंस नहीं होता, तो आपका डिसअलाउंस नहीं होता, नील होता, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीवेबल इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि उन्होंने बोला नेट ही डिसअलाउ होगा। और नेट का फॉर्मूला ऐसा है, इंटरेस्ट पेबल जो होता है ना, पेबल माइनस इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है ना, ये फिगर अगर पॉजिटिव होगा तो ही डिसअलाउंस होता है। अगर रिसीवेबल इज ग्रेटर देन पेबल तो एओपी बीओआई को फायदा हो रहा है, ठीक है ना, तो मेंबर से कोई इंटरेस्ट जा नहीं रहा है, इनफैक्ट आ रहा है, तो उन्होंने बोला डिसअलाउ करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या बोलता है, वेयर इंटरेस्ट इज पेड बाय एओपी बीओआई टू इट्स मेंबर एज वेल एज इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय एओपी बीओआई फ्रॉम इट्स मेंबर, देन ओनली नेट इंटरेस्ट सो पेड इज डिसअलाउड। हाउएवर सच नो सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड वेयर इंटरेस्ट इज पेड टू अ मेंबर and interest is received from another member, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि तुमने तुमने पे कर रहा है राम को और तुमने रिसीव करना है शाम से, तो नेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका मेंबर्स अलग अलग है ना, उसी मेंबर को पेबल और उसी मेंबर से रिसीवेबल होगा तो ही नेट ऑफ होगा, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बात लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखो क्या बोलता है, एग्जाम्पल X received 5,000 as interest from AOP in which he is a member and paid 2,000 to such AOP. तो कितना यहाँ पे देखो, कितना बोलो, कितने एओपी के एंगल से बोलो, एओपी ने 5,000 दिया और एओपी ने 2,000 रिसीव किया, तो डिसअलाउ कितना होगा, जल्दी बोलो, पेएबल 5,000 है, रिसीवेबल 2,000 है, तो नेट डिसअलाउड होता है, नेट कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 3,000 विल बी डिसअलाउड, ठीक है ना। वेयर एज इफ X पेड 8,000, उधर का आवाज इधर बुझा जाता है, whereas if X paid 8,000 to such AOP, then हाँ, तो अभी 8 अगर किया, ये 2,000 की जगह पे कितना किया उसने, 8,000 अगर किया, तो कितना disallow होगा? क्योंकि receivable is greater than payable, तो देखो क्या बोलता है, if X paid 8,000 to such AOP, then nothing shall be disallowed in the hands of AOP, चलो ठीक है, क्योंकि interest receivable ज्यादा है, वही taxable हो जाएगा। where interest is paid by AOP to any member और vice versa on behalf of any other person, मतलब यहाँ पे बात क्या हो रहा है, किसी और person के behalf पे उस member को payment किया, मतलब member को payment नहीं किया, किसी और के behalf पे उसको payment किया हुआ है, तो disallowance नहीं होगा, then it should be allowed, मतलब क्या सर, देखो मतलब वहाँ पे क्या बताता है कि Mr. X being a karta of HUF, X क्या है, karta of XHUF, received interest 5,000 from AOP, तो X ने क्या किया, X ने इंटरेस्ट रिसीव किया फ्रॉम एओपी इन विच ही इज अ मेंबर ऑन लोन गिवन बाय हिज एचयूएफ, तो उसने रिसीव किया लेकिन लोन किसने दिया था, जल्दी बोलो, लोन किसने दिया था, एचयूएफ ने, तो इंटरेस्ट किसका है, जल्दी बोलो, इंटरेस्ट किसका है, एचयूएफ का है। X अभी एचयूएफ तो जाके रिसीव नहीं कर सकता ना, एचयूएफ तो नॉन लिविंग एंटिटी है, तो बेचारा X जाके खाली वो रिसीव करके लेकर आया है, तो क्या मेंबर ने इंटरेस्ट लिया कि नॉन मेंबर ने इंटरेस्ट लिया, जल्दी बोलो, मेंबर X है और लोन HUF ने दिया हुआ है, मेंबर का कि नॉन मेंबर का, जल्दी बोलो, नॉन मेंबर, इसलिए डिसअलाउड नहीं होगा, अलाउड हो जाएगा, ठीक है ना। देन 5,000 इज नॉट डिसअलाउड इन द हैंड्स ऑफ AOP, वेयर एज इफ ही रिसीव्ड सच इंटरेस्ट ऑन अ लोन गिवन बाय हिम फ्रॉम हिज ओन सोर्सेस, अगर खुद के पॉकेट में से ही देता, देन सच इंटरेस्ट वुड बी डिसअलाउड, तो उन्होंने वो क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट, वेयर इंटरेस्ट इज पेड बाय एओपी बीवाई टू एनी मेंबर, तो किसी और किसी मेंबर को पे किया है, हु इज मेंबर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो वो बेचारा वो खुद की कैपेसिटी में मेंबर नहीं है, वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और को, ठीक है ना, और वाइस वर्सा, देन सच इंटरेस्ट शैल बी अलाउड, तो अभी भी नहीं होगा। तो आप समझ रहे हो ना, पहले पॉइंट में ही डिसअलाउड होता है, पहले पॉइंट में मतलब मेंबर ने अपनी खुद की कैपेसिटी में वो लोन दिया था तो ही डिसअलाउड होगा, ठीक है ना, मेंबर ने किसी और को अगर रिप्रेजेंट किया होगा तो आपका डिसअलाउंस नहीं होगा। उसका भी एग्जांपल देख लो, X अ मेंबर ऑफ AOP ऑन बिहाफ ऑफ XHUF, तो ऑन X इज अ मेंबर, X मेंबर नहीं है, मेंबर एक्चुअल मेंबर कौन है, XHUF, एक्चुअल मेंबर कौन है, XHUF, लेकिन XHUF को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आता है वहां पे, मिस्टर X रिसीव्ड 5,000 रुपीज एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज, अब X ने प्रोवाइड किया हुआ है, अब लोन X ने प्रोवाइड किया, लेकिन अभी मेंबर कौन है इस सिचुएशन में, जल्दी बोलो, थर्ड सिचुएशन में मेंबर कौन है,
HUF, ex-HUF. HUF member है, जबकि लोन तो X ने दिया हुआ है, तो obviously loan from non-member है, so then 5,000 is allowed in the hands of AOP, whereas if he received such interest for HUF, then interest would be disallowed. अब यहाँ पे HUF क्लियर लेता तो disallow हो जाता, तो यहाँ पे situation ऐसा था, second situation में कि X member था और HUF ने interest लिया था, ठीक है ना, और थर्ड सिचुएशन में HUF मेंबर है और X इंटरेस्ट ले रहा है, तो इन दोनों सिचुएशन में उन्होंने बोला डिसअलाउ नहीं होगा, तो सर डिसअलाउ कब होगा, तो डिसअलाउ जब वो खुद की कैपेसिटी में कोई मेंबर इंटरेस्ट लेता है तो ही डिसअलाउ होगा, भी नेट के ऊपर। और उसमें भी एक पॉइंट बात हमने क्या बोली, अगर रिसीवेबल इज ग्रेटर देन पेएबल तो डिसअलाउंस भी नहीं होगा, क्योंकि रिसीवेबल ज्यादा है ना, वैसे भी एओपी का इनकम बढ़ गया है उतने अमाउंट से। चलो आगे चलते हैं, रेम्युनरेशन टू मेंबर क्या बोलता है, एनी रेम्युनरेशन सैलरी बोनस व्हाटएवर नेम कॉल्ड पेड टू मेंबर शैल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन, इवन रेम्युनरेशन पेड टू मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन इज डिसअलाउड। तो रेम्युनरेशन तो आप पे करोगे ना किसी भी मेंबर को एनी सिचुएशन में, इंटरेस्ट के तो अलग अलग सिचुएशन बनते हैं, लेकिन रेम्युनरेशन का जैसे पार्टनर के केस में लिमिट था, लिमिटेड तक तो अलाउड था, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा डिसअलाउड। ओके आगे चलता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन वेयर शेयर ऑफ मेंबर आर नोन एंड शेयर ऑफ मेंबर्स आर अननोन। अभी यहाँ पे दो सिचुएशन, आप लोग फ्रेश हो ना, सब लोग याद रहे हो ना, मुझे कंफर्म करो, क्योंकि मैं आपको ना 4 to 5 डिफरेंट सिचुएशन पढ़ाने जा रहा हूँ और उसके ऊपर टैक्स रेट डिपेंड है, क्या आप लोग सब लोग याद रहे हो, अच्छे से फ्रेश हो? यस सर, यस सर, यस। अभी मुझे ना आप लोगों का अलर्टनेस बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, कि नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स क्या पिकअप होंगे, स्पेशल रेट्स का तो कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो आपको पता है शेयर मार्केट का होगा 112A का तो 10%, 112 का तो होगा तो 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट का होगा 111A का तो 15%, लॉटरी वगैरह जीतेंगे तो 30%, मतलब स्पेशल रेट तो वैसे ही लगेंगे जैसे नॉर्मल एसएससी को लगते हैं। अब बात हो रही है नॉर्मल इनकम की, और नॉर्मल इनकम में हमें क्या हो रहा है, एओपी बीवाई के शेयर जो मेंबर के शेयर है ना, पता है मेंबर मतलब कोने तीन लोग है पकड़ लो, और इन तीन लोगों के शेयर पता है 30% 30% and 40% शेयर पता है हम लोगों को, ठीक है ना, इनका शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम बोलते हैं या इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है हमें पता है कितना इनका रेशियो है, तो वी नो दिस देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। अब बात कैसी होगी पता है, अब इन तीनों में अगर एक कोई तो जैसे ये पकड़ लो, इधर से मैं इसको हटा देता हूं, ये बन जाता है फॉरेन कंपनी, ये फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट कितना है, 40%, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट है 40%, तो वो लोग क्या बोलेंगे पता है, क्योंकि आपके ग्रुप में एक फॉरेन कंपनी है जिसका टैक्स रेट 40% है, जिसका टैक्स रेट कितना है 40% है, जिसको हायर बोलते हैं, ठीक है ना, टैक्स रेट हायर देन MMR, MMR याद आ रहा है आपको, हायर देन MMR, MMR वर्ड क्या था याद आ रहा है, बचपन में पढ़ाया था, yes, sir. क्या है फुल फॉर्म क्या है, हाँ याद आ रहा है तो बोलना फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR, हाँ कैसे कंप्यूट होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है वो, हाँ, ज्यादा टैक्स लगता है, अरे कैसे इनकम टैक्स प्लस हाईएस्ट30% plus 37% का surcharge plus 4% का sales, तो ये जरा कैलकुलेट 30 लेना 30 37% तो 41.1 होना चाहिए plus 4%, तो MMR देश में आज के तारीख में है 42.744। मैं आपको एक बात बता दूं, जनरली एओपी का जो टैक्सेशन होता है जनरली नॉर्मल सिचुएशन में या मैक्सिमम सिचुएशन में आप बोलो वो MMR पे होता है, मैक्सिमम सिचुएशन पे बोलेंगे तो MMR पे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के किसी एक मेंबर का इनकम हायर देन MMR होता है, हायर देन MMR मतलब फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का हाईएस्ट टैक्स रेट कितना है 40%, फॉरेन कंपनी का हाईएस्ट सरचार्ज कितना है 5%, तो 42 हो गया, और फॉरेन कंपनी का सेस कितना
4%. तो अगर फॉरेन कंपनी का हाईएस्ट टैक्स रेट देखेंगे तो 43.68% होता है. और अगर इसका शेयर हमें पता है, इफ वी नो द शेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर मेंबर, तो वो लोग बोलते कि एक काम करो, अगर टोटल अगर ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आया था तो 10 लाख में के 4 लाख के प्रॉफिट के ऊपर आप हायर वाला रेट लगाओ. हायर वाला रेट लगाओ मतलब हायर देन एमएमआर वाला रेट लगाओ, ठीक है ना. और जो बच गए, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसके ऊपर एमएमआर का रेट लगाओ. मैं क्या बता रहा हूँ समझ रहे आपको, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसके ऊपर एमएमआर, और जो हायर देन एमएमआर पे टैक्स होने वाला है उसका हायर देन एमएमआर. ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमें उनके शेयर्स पता है. तो अगर जो मेंबर का शेयर के ऊपर ज्यादा टैक्स आने वाला है वो ज्यादा ही टैक्स के ऊपर भरना चाहिए, कम एमएमआर शुड नॉट बी रिलैक्सेशन फॉर दैट मेंबर. जैसे अगर हमने फॉरेन कंपनी से अगर एमएमआर पे टैक्स किया तो 42.744 पे टैक्स होगा, जबकि उनका इफेक्टिव टैक्स रेट आ रहा है 43.43, ठीक है ना. तो ऐसा उन्होंने, अभी देखो उन्होंने सिचुएशन बना के रखा है इसमें ना, ऐसे बात करना है ऑल गरीब मेंबर वन अमीर मेंबर, ठीक है ना, ऐसा बात होगा, ठीक है ना. अभी हम पहली सिचुएशन कौन सी दिख रहे हैं, when none of the member has a taxable income excluding share of AOP BOI. क्या बोलता है, none of the member has a taxable income excluding share of AOP BOI. गरीब, सारे all गरीब members. तो ये all गरीब है, ठीक है ना. ये situation कौन सा situation है, all गरीब वाला situation. अब ये लोग से कहाँ MMR पे tax लोगे, इनका AOP ही गरीब है. ऑटो रिक्शा चालक संस्था है, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा है. या वो डब्बा वाला का एसोसिएशन है, या जो अपने हाउसकीपर होते हैं उनका एसोसिएशन है, और कोई भी 2.5 लाख से नहीं कमा रहा. ऑल मेंबर्स आर गरीब मेंबर, जितने भी मेंबर है ना उस एसोसिएशन में सारे के सारे गरीब मेंबर है. मतलब नोबडी हैविंग इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इन वेरी सिंपल वर्ड, ठीक है ना. तो उनको हमने क्या बोला, तो एओपी किसी कौन से रेट पे टैक्स होगा, तो एओपी टैक्स होगा स्लैब रेट पे. तो रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्स टैक्स रेट है, ये सबसे कम टैक्स रेट है. बोलता है फिर एओपी का जो, क्योंकि सारे मेंबर गरीब मेंबर है, तो एओपी का जितना भी इनकम होगा वो स्लैब रेट पे टैक्स होगा. स्लैब रेट मतलब आपको पता है, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख 30%. तो वैसा एओपी का टैक्स होगा क्योंकि सारे मेंबर गरीब है. अभी आप बात करते हैं, वेयर एनी मेंबर हैज अ टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ एओपी बीवाई. बोलता है सारे गरीब नहीं है, इसमें के एक दो अमीर है, एक दो अमीर है, तो टैक्स होगा एमएमआर पे, क्योंकि अभी एक दो अमीर है ना. तो देखो क्या बोलता है, तो टैक्स कौन से पे होगा, एमएमआर पे. तो ये पहली बार आपने एमएमआर देखा, यहां तक क्लियर है. ऑल गरीब रहेंगे तो ये ऑल गरीब तो स्लैब रेट, स्लैब रेट. एक भी अमीर बना तो, एक भी अमीर बना तो एक का भी इनकम एमएमआर एमएमआर पे. और उससे अभी भयानक सिचुएशन जो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था, when any member is charged to tax at higher than MMR, ये कब हो सकता है, ये usually हो सकता है अभी आज के तारीख में practically only when one of the member foreign company जिसका share आपको मालूम है, और foreign company का share हमें पता है, तो foreign company का share पता है तो क्या करेंगे, total profit में का उसका जितना share होगा. जैसे यहाँ पे अगर 1 करोड़ का profit होता तो 1 करोड़ के profit का 40% होता है 40 लाख. 40 लाख पे क्या करते हम, MMR touch rate higher than MMR share of that member, तो उसका क्या होगा, at the rate which member is taxable, at the rate that member is taxable, तो higher rate, इसको क्या बोलो आप, आप अपने मॉड्यूल में सारे वर्ड लिख के रख दो, higher rate पे टैक्स होगा, ठीक है ना. और जो बैलेंस इनकम होगा 60%, तो 60 लाख पकड़ लो इसका, तो 60 लाख टैक्स होगा MMR. ये दूसरी बार MMR आया है यहाँ पे, यहां तक बात क्लियर है. ये देखो एमएमआर उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है 42.744, और मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है. यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलूं, इनका याद हो गया, ये तीन पॉइंट याद हो गए, वन रंडा मून, ये तीन पॉइंट याद हो गए क्या, जल्दी बोलो, ये तीन पॉइंट याद हो गए. यस, टैक्स रेट कैसे होता है एओपी बीवाई का वो पता चला, क्योंकि इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, और ये याद रखना ही ट्रिकी, मैंने बोला ना थोड़ा ट्रिकी है, वो यही ट्रिकी एरिया है यहाँ का. टैक्स रेट याद रखने, अभी हमने कौन सा सिचुएशन किया, सिचुएशन ए, यहाँ पे हमें सारे मेंबर के शेयर्स पता है, ठीक है ना. बताओ ऑल मेंबर्स आर गरीब मेंबर, क्या लोगे आप, स्लैब रेट, स्लैब रेट, स्लैब रेट, ठीक है ना. अब दूसरा सिचुएशन, ऑल मेंबर्स आर नॉट गरीब मेंबर, मतलब वन ऑफ द मेंबर इज रिच मेंबर, तो क्या करेंगे, एमएमआर, एमएमआर,
एंड वन ऑफ द मेंबर इज अ फॉरेन कंपनी, डायरेक्टली बोल देता हूँ वन ऑफ द मेंबर इज फॉरेन कंपनी, तो क्या करोगे? तो उसके शेयर का हायर रेट और बैलेंस को अपन MMR, ठीक है ना? ये तीन बातें याद रखो, ऐसे बार बार बोलते रहने का, ठीक है ना? अब अननोन रहेगा, अगर हमें, मुझे बताओ ना, आप लोग सोचो ना क्या होगा अगर आप लोग टैक्स की चोरी करने के लिए आप बोलोगे जाओ हम बताएंगे नहीं कि आपको फॉरेन कंपनी का शेयर कितना है, इसी सिचुएशन में 1 करोड़ AOP का प्रॉफिट है समझो, और आप हमें बता रहे हो जब हम बताएंगे नहीं कि आपको फॉरेन कंपनी के शेयर के ऊपर हायर टैक्स लगा रहे हो ना MMR से ज्यादा, आप ना, आपको ना सर बताएंगे नहीं फॉरेन कंपनी का कितना प्रोपोर्शनेट है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? जल्दी बोलो, सोचो ना जरा। अभी फॉरेन कंपनी का शेयर पता था हमें तो हमने उसके शेयर के ऊपर हायर रेट लगाया, अभी आप उसका शेयर बता ही नहीं रहे हो हमें, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? जो गरीब है या फिर जो एक दो अमीर है उन लोग को छोड़ के बाकी लोग को पकड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे कैसे ना, कितना छोड़ेंगे, क्योंकि कितना उसका शेयर है वो पता ही नहीं ना, मेंबर्स का शेयर आप बता ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग अस दिस, इनका प्रोपोर्शनेट कितना है ये प्रोपोर्शन ही नहीं बता रहे हो, 30-30-40 था ना, ये प्रोपोर्शन ही आप नहीं बता रहे हो, हमें नहीं पता बोल रहे हो, ऐसा कोई प्रोपोर्शन ही नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं है, ऐसा कोई डिसाइड ही नहीं हुआ था, तो शेयर इज नॉट नोन, तो क्या करेंगे? More than 50 पकड़े गए? नहीं नहीं, कौन सा टैक्स रेट पिकअप करेंगे मैं पूछ रहा हूँ? MMR का। MMR तो फिर कंसेशनल हो गया ना, उनको वही तो वो चाहते हैं, तुम सोचो तो सही, अगर MMR लगाओ तो हायर अप्लाई कर देंगे सब जगह। तो बोलो ना, उनको पनिश करना है ना, अभी अपने 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 से ज्यादा शाने बनने जा रहे हैं, तो सारे मेंबर का शेयर हायर पे टैक्स होगा, हायर रेट पे क्यों टैक्स होगा? अरे सर आप बता नहीं रहे हो कि फॉरेन कंपनी का कितना है, आप बता दो फॉरेन कंपनी का कितना रेशियो है, तो अगर आप बता देते तो उसके उसका उतने पे टैक्स होता और बाकी लोगों का MMR पे होता, अभी आप बता नहीं रहे हो फॉरेन कंपनी का कितना है, तो हमें तो मजबूरी में सबको टैक्स करना पड़ेगा MMR पे, बात सर MMR पे नहीं हायर रेट पे। देखो अभी शेयर अननोन होगा तो जो स्पेशल रेट होंगे वो ऐसे लगेंगे, स्पेशल रेट की बात नहीं होनी, नॉर्मल रेट की बात देखो क्या होगी, देखो क्या बोलता है, व्हेन नन ऑफ द मेंबर हैज अ टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ AOPBY, उसका लेना देना ही नहीं अभी, व्हेन एनी मेंबर हैज अ टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग AOPBY, नॉर्मली MMR ही लगेगा, इन दोनों सिचुएशन में क्या लगेगा? MMR, आपके मॉडल ने शॉर्ट करने के लिए उसको दो बार नहीं लिखा, तो ये कंसेशन कब मिलेगा? सबसे रिलैक्स टैक्स तो यही था ना स्लैब रेट, आप देख रहे हो ना नॉर्मली AOP टैक्स किसके पे हो रहा है, नॉर्मली किसके पे टैक्स हो रहा है, नॉर्मली क्या रेट पे टैक्स हो रहा है AOPBY? स्लैब रेट नहीं बाबा, नॉर्मली MMR पे हो रहा है। अरे पागल, इधर एक बार MMR आया, इधर एक बार MMR आया, इधर एक बार MMR आया, तो जितने टोटल 6 सिचुएशन बनते, 6 में के 4 सिचुएशन में अभी तक MMR आया हुआ है बार बार, बरोबर ना? तो नॉर्मली MMR पे टैक्स हो रहा है, नॉर्मली 42% पे टैक्स हो रहा है, स्लैब रेट पे जिस दिन टैक्स होगा वो 2.5 लाख तक, नील 2.5 लाख to 5%, तो वो कंसेशनल रेट है, वो कंसेशनल रेट आपको तभी मिलेगा जब आपने अपने अग्रीमेंट में शेयर लिखा हुआ है, ईच मेंबर का शेयर गवर्नमेंट को पता है और आपके सारे मेंबर गरीब हैं तो ही मिलेगा, अगर आपने शेयर मेंशन नहीं किया हुआ है आपके अग्रीमेंट में तो बाय डिफॉल्ट MMR पे टैक्स होता है। और उससे भी भयानक सिचुएशन, ठीक है ना, व्हेन एनी ऑफ द मेंबर इज चार्ज अदर टैक्स हायर देन MMR, जबकि फॉरेन कंपनी आपका मेंबर होगा और उसका शेयर नॉट नोन है, तो पूरे AOP का फुल इनकम, ठीक है ना, फुल इनकम विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ हायर रेट, हायर देन MMR। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है ना, तो फिर से एक बार सारी सिचुएशन की बात कर लेते हैं। पहला सिचुएशन हमने बोला कि ऑल मेंबर, पहले तो हमने बोला दो बातें कर लो, नोन एंड अननोन, ठीक है ना, तो पहला नोन है मतलब अच्छी AOPBY है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है इनकम टैक्स के साथ, तो हमने बोला ओके आपके सारे मेंबर गरीब मेंबर है, हम स्लैब रेट पे टैक्स लेंगे, ठीक है ना। फिर हमने बोला कि ओके आपके सारे मेंबर गरीब नहीं है, एक दो मेंबर अमीर है, तो एक काम करते हैं पूरे AOP का MMR पे टैक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात क्या कि अगर आपके इसमें कोई भी अगर एक फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी का इफेक्टिव रेट अगर ज्यादा है तो उतना प्रोपोर्शनेट इनकम हायर रेट पे टैक्स होगा और बैलेंस मेंबर का हो जाएगा MMR पे टैक्स। ऐसे पहले तीन सिचुएशन बोले। अब नेक्स्ट तीन सिचुएशन जहाँ पे शेयर अननोन है और ऑल मेंबर आर गरीब मेंबर, तभी भी MMR पे ही लगेगा। ऑल मेंबर आर नॉट गरीब मेंबर, एक दो अमीर भी है, तभी भी MMR पे ही लगेगा।
और अगर एकाध मेंबर अगर फॉरेन कंपनी निकल गया आपका, तो पूरे कंपनी का, पूरे एओपी बीओआई का जो टैक्स इनकम होगा वो एमएमआर पे नहीं, एमएमआर से जो ज्यादा रेट होता है, हायर रेट, उसके ऊपर टैक्स होगा, क्योंकि आपने शेयर नहीं बताया, ठीक है ना। उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आगे जाके। अब मुझे बताओ, एओपी ने पहले से टैक्स भर दिया है, एओपी ने टैक्स भर दिया ना, भर दिया कि नहीं भर दिया, जल्दी बोलो। एमएमआर वगैरह आप देख रहे हो कितना हायर रेट लग रहा है। एओपी ने ऑलरेडी एक सिचुएशन छोड़ के बाकी सारे सिचुएशन पे एओपी ने एमएमआर पे टैक्स भरा हुआ है मिनिमम। ये तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सिचुएशन छोड़ के, यहाँ ये वाला सिचुएशन छोड़ के, फर्स्ट वाला, बाकी सारे सिचुएशन में एओपी में, एओपी ने हायर रेट पे टैक्स भरा हुआ है एमएमआर पे, तो मेंबर के हाथ में वो जो इनकम आएगा वो टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा, वो पूछा था मैं। लॉजिक क्या है, एग्जेम्प्ट होगा, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, जल्दी बोलो। ऑलरेडी टैक्स भर दिया है तो उसके हाथ में क्या होना चाहिए था, मेंबर के हाथ में एग्जेम्प्ट होना चाहिए था, ऐसा मेरा भी मानना था, लेकिन नहीं है, ठीक है ना। मेंबर के हाथ में भी टैक्सेबल है, वो डिस्करेज करना चाहते हैं एओपी, एओपी बीओआई का स्ट्रक्चर इंडिया में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टैक्स के मैनिपुलेशंस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, और एंटिटीज रजिस्टर्ड भी होती है, अनरजिस्टर्ड भी होती है। तो देखते हैं क्या बोलता है, कंप्यूटेशन ऑफ मेंबर शेयर वेयर शेयर इज नो, तो हमें पता है शेयर पता है मेंबर का, तो उस टाइम हम मेंबर की इनकम कैसे करेंगे। तो मेंबर को क्या क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट मिला हुआ है, सैलरी मिला हुआ है, गिवन टू पर्टिकुलर मेंबर, तो मेंबर को जितना मिला हुआ है, जैसे ए बी सी है, ए को जितना मिला उतना ए के हाथ में टैक्सेबल, बी को जितना सैलरी मिला बी के हाथ में टैक्सेबल, सी को जितना मिला सी के हाथ में टैक्सेबल, और जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट बैलेंस जो प्रॉफिट बचता है, ठीक है ना, वो भी तो डिवाइड होता है ना मेंबर्स के हाथ में। तो उन्होंने बोला इन अग्रीड रेशियो, जो भी रेशियो होगा, क्योंकि इनका रेशियो पता है, जब रेशियो पता है तो अग्रीड रेशियो में बैलेंस डिवाइड होगा। अब उसके नोट देखो क्या बोलता है, Any interest paid by a member on a capital borrowed by him for the purpose of investment in AOP BY shall, while computing his share, chargeable under the head PGBP. In respect of his share of the AOP BY, be deducted from his share. तो उसने अगर लोन लिया होगा कहीं से, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, मेंबर ने यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से मार्केट से पैसे लिए थे, तो मेंबर को उसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, PGBP में, उसका तो बात कुछ नहीं। The share of a member in a income of loss, income in the income or loss of the association or body shall be a portion under the various heads of income. तो बता रहा है, तो PGBP head से अगर AOP ने कमाया होगा तो member के हाथ में भी PGBP head में ही होगा। IFHP head से अगर कमाया होगा तो member के हाथ में भी जो income जब apportion होगा तो IFHP head में होगा, in the same ratio. तो उन्होंने वो बताया हुआ है। Where any deduction under Chapter 6A. is allowed to AOP BY, then the deduction shall not be allowed to member for sharing that income or payment. अगर एक बार AOP BY ने ATC का deduction ले लिया, कोई भी ATC का deduction, तो same deduction फिर से हमें member को नहीं देंगे, ऐसे इन्होंने explanation दिया हुआ। चलो ठीक है, computation of member when share is unknown, जब उसका share ही नहीं पता, share नहीं पता तो क्या करेंगे सर, ठीक है ना, share नहीं पता तो क्या करेंगे, income of AOP BY shall not be included in the total income of मेंबर, बोलता है तो उसके में, उसके इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर नहीं पता ना, जब शेयर नहीं पता तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर कैसे होगा। सर टैक्स लाइबिलिटी मेंबर की कैसे कंप्यूट होगी, एओपी की तो हमने कर लिया अभी, और मेंबर की देख लो, मेंबर का भी क्यों पढ़ना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना चाहिए डबल टैक्सेशन हो रहा है, एक बार एओपी ने टैक्स भरा हुआ है और वही इनकम आप क्या कर रहे हो, मेंबर के हाथ में भी टैक्सेबल कर रहे हो। हाँ, आगे जाके उसका कुछ ना कुछ मैं आपको एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे आपको कम से कम डबल टैक्सेशन तो पहले दिखना चाहिए। When income of AOP is not taxable, ऐसा हो गया ना कि income of AOP is not taxable, क्यों not taxable? पकड़ लो बेसिक स्लैब में था और उनका इनकम 2,30,000 ही था, और ऑल मेंबर गरीब है, ऑल मेंबर गरीब है तो AOP का इनकम टैक्सेबल होगा क्या, मुझे बताओ, नहीं, नीचे है और ऑल मेंबर गरीब है तो नहीं होगा ना, टैक्सेबल नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बोला, देखो मेंबर के हाथ में फिर टैक्स ट्रीटमेंट, अभी एओपी ने तो टैक्स नहीं भरा, तो मेंबर के हाथ में क्या होगा, शेयर फ्रॉम एओपी इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अ मेंबर एंड टैक्स कैलकुलेटेड यूजुअली, हाउएवर रिबेट अंडर सेक्शन 86 इज नॉट अवेलेबल। तुमको रिबेट क्यों देंगे, रिबेट तो डबल टैक्सेशन वालों को देना चाहिए ना, सेक्शन 86 का जो रिबेट है, यहाँ पे नया रिबेट पढ़ रहे हो आप लोग, 87 का अलग से रिबेट है, 86 का रिबेट एओपी के मेंबर को मिलता है, कब मिलता है, जब एओपी ने टैक्स भरा होगा,
यहाँ पे एओपी ने टैक्स भरा है क्या? नहीं, जिसको एओपी ने टैक्स ही, जब एओपी ने टैक्स ही नहीं भरा और मेंबर टैक्स भर रहा है तो क्या डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या यहाँ पे? जल्दी बोलो, डू यू सी डबल टैक्सेशन? नहीं, डबल टैक्सेशन हुआ ही नहीं तो रिबेट क्यों दूंगा आपको मैं? रिबेट तो तभी मिलेगा जब आपका डबल टैक्सेशन हुआ था। जैसे नेक्स्ट सिचुएशन, व्हेन द इनकम ऑफ एओपी इज टैक्सेबल एट ए इंडिविजुअल रेट, इंडिविजुअल रेट पे टैक्स हुआ है, मतलब स्लैब रेट पे वहां पे टैक्स हुआ है, मतलब उसका ऑल मेंबर गरीब है। ऐसा कब हो सकता है? व्हेन ऑल मेंबर आर गरीब, लेकिन एओपी जो है ना, एओपी एओपी का इनकम स्लैब रेट पे टैक्स हुआ, पकड़ लो 8 लाख रुपए है उसका एओपी का इनकम, तो एओपी का इनकम 8 लाख रुपए टैक्स हुआ है, तो स्लैब रेट पे टैक्स हुआ अपटू 2.5 लाख, 5% to 8 लाख, 20%, तो ऐसे रेट पे वो 8 लाख उसका टैक्स हुआ है। अभी क्या होगा? शेयर फ्रॉम एओपी इज इंक्लूडेड इन हिज इनकम एंड टैक्स इज कैलकुलेटेड यूजुअली, तो शेयर इंक्लूड होगा तो डबल टैक्सेशन होगा। एओपी ने भी स्लैब रेट पे टैक्स भरा, ये एओपी ने भी स्लैब रेट पे टैक्स भरा और मेंबर भी स्लैब रेट पे टैक्स कंप्यूट कर रहा है, तो दो बार टैक्स स्लैब रेट लग गया सेम इनकम के ऊपर। इसलिए उन्होंने क्या बोला, रिबेट अंडर सेक्शन 86 इज अवेलेबल, तभी रिबेट मिलेगा आपको, ठीक है ना? तो रिबेट कब नहीं मिलेगा और कब मिलेगा ये समझना है। पहले सिचुएशन में रिबेट नहीं मिलेगा और सेकेंड सिचुएशन में रिबेट मिलेगा। और जहां पे एओपी ने एमएमआर पे टैक्स भरा या हायर रेट पे टैक्स भरा है, एमएमआर पे भरा है या हायर रेट पे टैक्स भरा है, तो एओपी ने ही इतना टैक्स भर दिया है कि आपको मेंबर के हाथ में उसको टैक्स करने की जरूरत नहीं है। शेयर ऑफ शेयर फ्रॉम एओपी इज नॉट इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। ये समझ रहे डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए क्या क्या किया है उन्होंने यहाँ पे? क्या तीनों सिचुएशन क्लियर है मेंबर के हाथ में? यस सर। चलो उसके क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा, लेकिन पहले क्या थ्योरी पढ़ लेते एक बार और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? वो 6 मिनट बचे मुझे, फटाफट वो पढ़ने दो। अब रिबेट कैसे कैलकुलेट होगा सर? प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट होगा, एवरेज रेट पे कैलकुलेट होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो सर रिबेट कैसे 86 का कैलकुलेट होता है? स्टेप वन में क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ अ मेंबर इंक्लूडिंग शेयर ऑफ एओपी, तो एओपी से जितना आया वो इंक्लूड कर लो। सेकेंड क्या बोलता है, स्टेप टू में क्या कर लो, कैलकुलेट द टैक्स एंड सेज, ठीक है? तो हमने मेंबर का यहाँ पे टोटल इनकम इंक्लूड किया, एओपी से जो आया वो भी कंसिडर कर लिया और टोटल टैक्स बेचारे का कंप्यूट किया और फिर उसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाला। तो पहले 3 स्टेप में तो कुछ नया मैंने पढ़ाया नहीं है, एकदम सिंपल पहले 2-3 स्टेप है। पहले उसका टोटल इनकम कंप्यूट करो, उसका टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करो, सेस लगा लो, रिबेट लगा लो, जो तुमको करना है वो सब कर लो और फिर उसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालो। एवरेज रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू 100, ठीक है ना? ये हो गया। अभी डबल टैक्स इनकम कौन सा है? डबल टैक्स इनकम मतलब एओपी के हाथ में भी वो टैक्स हुआ है और एओपी से इसके हाथ में भी आके टैक्स हुआ है, तो शेयर फ्रॉम एओपी ऐसा 2 बार टैक्स हुआ है, उसके ऊपर एवरेज रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या बोला समझा? हाँ। जितना एओपी से शेयर आया हुआ है ना उसके ऊपर एवरेज रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करो, वो आपका रिबेट हो गया। ऐसी बात यहाँ पे हो रही है। अब मुझे क्वेश्चन करने हैं लेकिन मेरे पास 5 मिनट ही बचा हुआ है, आपको अगर थ्योरी में कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट सीरीज में पूरे क्वेश्चन आते, क्योंकि मैं चालू करूंगा और रुक जाएगा क्वेश्चन, लंबे लंबे क्वेश्चन है वो खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो व्हाट यू से, आपको किधर पॉइंट फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस टेबल का सिचुएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ मेंबर का, किधर का ऊपर नोन अननोन अननोन वाला, ये टैक्स रेट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी नहीं, नीचे आओ नीचे, ये वाला और नीचे, ये खत्म हो गया डबल टैक्सेशन वाला पॉइंट, अरे गया ऊपर, ये वाला, उसके ऊपर वाला टेबल है ना सर, वो सिचुएशन एंड ट्रीटमेंट वाला बोल रही है। हाँ इधर है सिचुएशन एंड ट्रीटमेंट, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। 86 से भी देना नहीं देना, सेक्शन बोलो ना, 167B, नो
सम चालू होने से पहले, सम चालू होने से पहले, चालू होने के पहले मेंबर का रिबेट है ना, मेंबर का रिबेट वो वाला, तो वही बोल रहा हूँ ना 67 ए, ये वाला नीचे जाओ और नीचे, और नीचे जाओ और नीचे, अननोन वाला, अननोन वाला, हाँ अरे एक तो ऊपर है ना, एकदम ऊपर नहीं तो एकदम नीचे आ जाए। हाँ बस 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 यही यही ये वाला ही बता रहा हूँ ना, तो 67 ए पे मैं तीन बार आके गया हूँ, यहाँ से तीन बार आके मैं पूछ रहा हूँ आपको 67 क्या, तो तुम लोग बोलते हैं नहीं नीचे नीचे तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो जाता इधर। अरे पर 67 अननोन वाला चाहिए था। अरे बाबा मैं तुझे वही बता रहा हूँ ना, अगर शेयर अननोन होगा तो कैन यू इंक्लूड इन एनीबॉडी, देख शेयर नोन होगा तो उन्होंने क्या बोला, टू दी एक्सटेंट ऑफ सैलरी, सैलरी वगैरह जो दिया है वो तो एक्चुअली हम इंक्लूड करेंगे, जो बैलेंस इनकम बचता है, जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट वो डिवाइड करने के लिए तुमको पार्टनर्स का रेशो, रेशो पता होता है तो आप रेशो में डिवाइड करते हो, पार्टनर्स की बात करते हो बराबर ना, पार्टनर्स का रेशो होता है तो वो पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड करते हो, पीएसआर नहीं पता होता तो पार्टनरशिप में क्या करते हैं हम लोग, पार्टनरशिप में क्या करते हो, पीएसआर नहीं पता होता तो इक्वल, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि एओपी बीवाई का कोई एक्ट नहीं है, तो उन्होंने बोला अगर आपको रेशियो पता है तो अग्रीड रेशियो में डिवाइड करो, रेशियो नहीं पता है तो ये प्रॉफिट डिवाइड करो ही मत, ठीक है ना। इनकम ऑफ एओपी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ मेंबर, क्योंकि शेयर ही नहीं पता ना, इसके इसके हाथ में कितना इंक्लूड करोगे आप, 40 मेंबर है, 40 मेंबर के हाथ में किसके हाथ में कितना इनकम जाना चाहिए वो हमें पता ही नहीं, क्योंकि शेयर ही नहीं पता, जब शेयर ही नहीं पता तो हम प्रॉफिट को डिवाइड नहीं करेंगे, पर प्रॉफिट पता है, शेयर पता है तो डिवाइड होगा, शेयर नहीं पता है तो प्रॉफिट डिवाइड ही नहीं होगा, बात क्लियर है? Yes. नहीं भी हुआ ना तो वो क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो, ये जितना भी मैंने थ्योरी बोला है ना, थ्योरी पढ़ के कोई महान नहीं बनता, थ्योरी मैंने बता दिया मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको मुझे पढ़ाना था क्वेश्चंस के थ्रू, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाने के बाद लिंक करना होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल को, तो थ्योरी हो गया, अब मुझे प्रैक्टिकल पढ़ाने दो, इमीडिएटली आप लोग प्लीज री लॉग इन करो, 8:27 हुआ है, 8:30 पे लॉग इन करो, चलो 3 मिनट देता हूँ लॉग इन करने, 2 मिनट बच गया, 2 मिनट में लॉग इन करो।